पुराने कहानियों में आप लोगों ने एक जीव या फिर एक एनिमल का जिक्र हमेशा से सुना होगा। उस जीव या फिर एनिमल का नाम है पेगासस या फिर यूनिकॉर्न। पर यूनिकॉर्न और पेगासस के अलावा भी एक और जीव है जिसके बारे में पुराने कहानियों में जिक्र है, पर उतना जिक्र नहीं है कि इस एनिमल के बारे में बहुत लोग जाने, और आप भी शायद इस एनिमल के बारे में नहीं जानते। उस एनिमल का नाम है एलिकॉर्न। अगर आपको पेगासस या फिर एलिकॉर्न या फिर यूनिकॉर्न एक काल्पनिक जीव या फिर काल्पनिक एनिमल लगता है तो ये सुनिए, स्कॉटलैंड जो कि एक जाना माना देश है उसका या फिर उस देश का नेशनल एनिमल एक यूनिकॉर्न ही है, क्योंकि पहले स्कॉटलैंड में यूनिकॉर्न पेगासस या फिर एलिकॉर्न जैसा कोई जीव रहता था। क्या अब के समय में ऐसा कोई जीव जो कि घोड़े जैसा दिखता है, जो कि उड़ सकता है, जो कि रेनबोस के साथ खेलता है, ऐसा कोई जीव अब के समय में स्कॉटलैंड में रहता है? स्कॉटलैंड में ऐसे बहुत से जीव पाए जाते हैं जो कि दुनिया में और कहीं पे नहीं पाया जाता, जैसे कि रेड स्क्विरल, वाटर वोल, स्कॉटिश वाइल्ड कैट। इस तरह के जीव सिर्फ और सिर्फ स्कॉटलैंड में ही पाया जाता है। तो स्कॉटलैंड ने एक काल्पनिक जीव जो कि यूनिकॉर्न, इस काल्पनिक जीव को अपना नेशनल एनिमल क्यों बनाया? ये सब जीव को नेशनल एनिमल ना बना के एक काल्पनिक जीव को नेशनल एनिमल बना के स्कॉटलैंड साबित क्या करना चाहता है? क्या वो बताना चाहता है कि स्कॉटलैंड में पहले यूनिकॉर्न नाम का कोई जीव, कोई काल्पनिक जीव रहता था? पेगासस और यूनिकॉर्न में एक फ़र्क है, या फिर आप कहें तो दो फर्क है। पेगासस और यूनिकॉर्न दो अलग अलग जीव हैं, एक जीव नहीं है। है तो एक घोड़े जैसा ही, पर दोनों में फ़र्क है। पेगासस असल में काले रंग का होता है और यूनिकॉर्न जो होता है वो होता है सफ़ेद रंग का। पेगासस का सींग नहीं होता और यूनिकॉर्न का सींग होता है। पेगासस ज़मीन पर रहता है और यूनिकॉर्न आसमान पे बादलों के साथ, बादलों के बीच में रहता है। और इसी वजह से यूनिकॉर्न को एक काल्पनिक जीव भी कहा जाता है। यूनिकॉर्न के कहानियाँ कोई अब के नहीं है। 1500 BC से जो यूनिकॉर्न के कहानियाँ हैं, जो स्टोरीज हैं, चले आ रहे हैं। तब यूनिकॉर्न को कहा जाता था लैसियस यूनिकॉर्न। तब यूनिकॉर्न के दो सिंह होते थे। तब यूनिकॉर्न को एक डेंजरस जीव माना जाता था जो कि सिर्फ लोगों को मारने के लिए मशहूर था, और इसका नाम लोग मुंह से लेने से भी डरते थे। मार्को पोलो जो कि आप जानते हैं एक इतिहास के जाने माने व्यक्ति, उन्होंने भी यूनिकॉर्न देखने की बात की है। उन्होंने बताया यूनिकॉर्न जो कि एक घोड़े जैसा कोई जीव है जिसके सर में एक हॉर्न जैसा कुछ है, जो कि उड़ सकता है, आसमान में रहता है, बादलों के बीच रहता है, और इस यूनिकॉर्न के रीज़न से या फिर वजह से ही आसमान में रेनबो या फिर इंद्रधनु बनते हैं। उन्होंने और भी बताया यूनिकॉर्न की जो आंखें हैं वो खून की तरह लाल हैं। यूनिकॉर्न के ऊपर कोई विष या फिर पॉइजन या फिर जहर काम नहीं करता। एक इंसान अगर एक यूनिकॉर्न को बस छूता है तो छूने भर से वो इंसान अपने लाइफ में कभी दुखी नहीं होगा, वो हमेशा खुश रहेगा। मार्को पोलो के अलावा भी चेंगिस खान जैसे इंसान ने भी अपने जीवनी में यूनिकॉर्न देखने की बात की है। उन्होंने बताया जब वो भारत आने के लिए निकले थे तब उन्होंने घोड़े जैसा कोई जीव देखा जो कि उड़ सकता है, जिसके सर में एक हॉर्न जैसा कुछ है, आइस एज स्टोन एज जैसा ही। एक और समय था, डार्क एज नाम था। उस समय लोग साइंस को नहीं मानते थे। साइंस नाम का उस समय पे कोई चीज़ ही नहीं था। तब के समय में इस यूनिकॉर्न जैसे जीवों को लोग रियल मानते थे, लोग इनसे डरते थे, लोग मानते थे अगर वो गलती करेंगे तो यूनिकॉर्न आके उनको सज़ा देगा। क्या आप जानते हैं 1560 के समय में यूनिकॉर्न का हॉर्न गोल्ड और डायमंड से भी बहुत गुना ज़्यादा
मूल्यवान था या फिर महंगा था। और उस समय यानी 1560 के समय यूनिकॉर्न का मतलब ही था एक हॉर्न। और उस समय माना जाता था यूनिकॉर्न का हॉर्न किसी भी इंसान का कोई भी बीमारी ठीक कर सकता है। तो यूनिकॉर्न से जुड़ा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक कीजिए। और इस तरीके का इंटरेस्टिंग मिस्टीरियस वीडियो अगर आप देखना पसंद करते हैं मेरे चैनल साइन इन्फो हब को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए।